अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबको। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जेवी के टॉपिक, जेवी और नॉन पीटीए के बीच में क्या फर्क होता है। तो जी, जेवी और नॉन पीटीए के बीच में कोई फर्क नहीं होता। जेवी बेसिकली सिम लॉक होता है। अब मेरे पास ये आईफोन 11 है, ये है जेवी, ये आईफोन 12 है, ये है नॉन पीटीए। आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जेवी और नॉन पीटीए आपको कैसे पता चलता है। आप अगर लेने हैं मार्केट में तो आप लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि ये जेवी है या ये नॉन पीटीए। सबसे पहले हम इस टॉपिक को लेते हैं। तो आपने सबसे पहले फोन को जो है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने फोन की जनरल पे जाना है। जनरल पे जाके अबाउट पे जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि नॉन पीटीए में ये ऑप्शन होता है नो सिम रिस्ट्रिक्शन, और जेवी में ये ऑप्शन होता है सिम लॉक। सिम लॉक मतलब जेवी। बेसिकली आपको जेवी अच्छी बैटरी हेल्थ में इसलिए मार्केट से मिल जाता है क्योंकि आप जेवी बाहर की कंट्रीज में नहीं चलता। पीटीए का टैक्स सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पीटीए को ज्यादा वैल्यू दी गई है, इस वजह से पीटीए की वजह से लोग बचने के लिए नॉन पीटीए रख लेते हैं, और नॉन पीटीए से बेहतर अब जेवी को इसलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये नॉन पीटीए से 15-20 हज़ार सस्ता मिलता है। फोन वही चीज होता है, बंद नहीं होता। आप लोग कहते हैं कि मेरे से काफी लोग सवाल करते हैं कि हम लोग जेवी ले तो लें, जब सेल करने आएंगे वो रेट में है, हमें रीसेल नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, जेवी रीसेल भी आपका अच्छा हो जाता है क्योंकि देखिए आपने एक चीज ली ही 15-20 हज़ार सस्ती है मार्केट में, तो बेसिकली आप रीसेल करने जाएंगे तब भी वो 15-20 हज़ार सस्ती ही बिकेगी। तो जहां तक बात है नॉन की, अगर आपने बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो फिर आप लोग जो है नॉन पीटीए लें। अगर पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना तो फिर आप पाकिस्तान में रहने के लिए जेवी आपके लिए बेहतर, ठीक है। अब यही चीजें होती हैं। इसके अलावा जेवी में कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जेवी फोन बंद हो जाएगा। बंद सिर्फ उसकी सिम होती है, ठीक है, सिम लॉक रहता है, वो आपका अनलॉक नहीं होता। ये चीज अपने जहन में रखें, ठीक है। और जहां तक बात है नॉन पीटीए की, नॉन पीटीए का आपको फायदा इतना सा है कि अगर आपने बाहर जाना है, पाकिस्तान से कहीं पे भी बाहर जाना है, तो आपका वो सिम चलाएगा, जेवी सिम नहीं चलाता। और पाकिस्तान में जेवी में सिम चलाने के लिए एक चिप लगती है, वो चिप आपकी 2,2500 की लग जाती है, उसके बाद आपकी सिम चलती है टोटल 2 महीने, ठीक है। 2 महीने के बाद नहीं चलती और उसमें भी सिग्नल्स का इश्यू रहता है, ठीक है। इसलिए अगर सिम नहीं चलानी तो जेवी बेहतरीन फोन है, कोई मसला नहीं होता। आप लें, जरूर लें, हमसे भी लेना है तो आप लोग हमारे पास हैं, नंबर में अपना नीचे मेंशन कर देता हूँ। आपको और भी कोई नॉलेज चाहिए वो भी मैं दे दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बकाया फोन वगैरह भी चाहिए तो उसका नंबर मैं अपना मेंशन कर देता हूँ सारा, आप लोग मेरे से फोन परचेज कर सकते हैं। बकाया हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी कोई नॉलेज चाहिए तो मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी दूंगा। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।